हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। एवरेज के अपन ने दो क्लासेस कंप्लीट कर ली थी, जिसमें अपन बेसिक टू एडवांस चल रहे हैं। अपन ने लगभग 20 क्वेश्चन कर लिए थे। आज है थर्ड क्लास, इसमें क्वेश्चन काफ़ी अच्छे और लेंथी हैं। अगर आपने पहले दो क्लासेस नहीं देखी हो तो वह देख के फिर ये वाला वीडियो देखना, क्योंकि यह वीडियो सबसे टफ रहेगा और इससे क्वेश्चन अक्सर पूछे भी जाते हैं। अपन कोशिश करेंगे शॉर्ट ट्रिक के साथ करें, जिससे आपको आसानी से समझ में आए और कम समय में आप क्वेश्चन को कंप्लीट कर सको। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक विद्यार्थी ने 20 संख्याओं का औसत 37.50 प्राप्त किया। 20 संख्याओं का औसत कितना प्राप्त किया? 37.50। पुनः जांच में पता लगा चला उसको कि उसने 38 की जगह 83 लिख दिया, तो बताओ सही औसत क्या है। अब देखो, उसको लिखना तो था 38, उसने लिख दिया 83। इसका मतलब औसत बढ़ेगा या घटेगा? अब कोर्स औसत बढ़ेगा, क्योंकि लिखना तो था 38, उसने लिखा 83। मतलब सही संख्या क्या थी? 38, लेकिन उसने लिखा क्या? 83। अब दोनों के बीच में डिफरेंस कितने का है? सही और गलत का डिफरेंस कितना है? 45 का डिफरेंस है। तो अपन क्या करेंगे, ये जो डिफरेंस आया है उसमें टोटल नंबर का भाग दे देंगे। टोटल विद्यार्थी कितने? 20। 20 का भाग दे देंगे, 5 9 45, 5 20, 4 2 8, 1, 4 2 8, 4 5 20। कितने का डिफरेंस आया? 2.25 का। अगर देखो, सही संख्या गलत संख्या से बड़ी है तो अपन माइनस कर देंगे, सॉरी उसमें प्लस कर देंगे। एवरेज के अंदर गलत संख्या यदि बड़ी है सही संख्या से, तो जो औसत दे रखा ना उससे अपन घटा लेंगे। तो औसत अपने को दे रखा है 37.50, उससे माइनस करेंगे 35.25। ये क्या आ गया? अपना सही एवरेज आ गया। इसका और भी तरीका होता है, जैसे 20 को मल्टीप्लाई करेंगे इसे तो उसके टोटल प्राप्तांक आ जाएंगे। ठीक है ना, क्या करेंगे, 20 को मल्टीप्लाई करेंगे 37.50 से, उसके टोटल प्राप्तांक आ जाएंगे। उसमें क्या करना है, उसने क्या किया, 38 की जगह 83 लिख दिया, तो 38 को ऐड करेंगे, 83 को माइनस करेंगे, फिर जो आएगा उसमें 20 का भाग दे देंगे, एट लास्ट क्या आएगा, 35.25। सीधा करना आपको, इन दोनों का डिफरेंस लेना, जो आए उसमें 20 का भाग दे देंगे, जो भी विद्यार्थियों की संख्या होगी। ठीक है ना, अपने पास आया 2.25। अब क्या करना है, इसको घटाना या जोड़ना है, वो डिपेंड करेगा गलत वाली संख्या बड़ी है या छोटी है। अगर गलत वाली संख्या बड़ी है तो माइनस करेंगे, छोटी है तो घटाएंगे। अब देखो, दूसरा क्वेश्चन भी सेम यही है, विद्यार्थियों की संख्या कितनी है, 18। तो अपन क्या करेंगे, 18 का भाग देंगे, और एवरेज कितना है, 29.25। अभी इसको रहने देंगे। सही संख्या कौन सी है? सही गलत 15 20 25 60। गलत की जगह 45 55 और 60, 160। दोनों का डिफरेंस कितना है,
एवरेज कितना है? 18। पचास बटा नौ, 9 5 45। क्या बचा? 5, 5.9। इसको ओवर काटेंगे तो 0.95, 45, 45, 5.55। अब ये आया डिफरेंस एवरेज का, यहाँ लिख देता हूँ। औसत में फर्क कितने का आया? 5.55 का। प्लस करेंगे माइनस, माइनस करेंगे क्योंकि गलत वाली संख्या बड़ी है। ओरिजिनल जो अपने को दे रखा है, औसत कितना दे रखा है? 29.25। माइनस करेंगे 5.55, 0.732। ठीक है ना? ये आ गया अपना सही वाला औसत। क्या किया? एक विद्यार्थी ने 18 संख्याओं का औसत 29.25 प्राप्त किया, लेकिन जब उसने पुनः जांच की तो उसे पता चला कि 15 20 25 की जगह उसने गलती से 45 55 60 दिया। तो बताओ सही औसत क्या है? सही संख्या क्या थी? 15 20 25, टोटल 60। गलत संख्या क्या थी? 55 45 और 60, मतलब उसने 160 लिख दिए थे। लिखना था 60, कितने ज़्यादा लिखे? 100। 100 ज़्यादा लिखे, इसलिए उसका औसत क्या आया था? 29.25। 100 बटा 18 किया तो एवरेज आ गया डिफरेंस 5.55। 5.55 माइनस किया तो जो ओरिजिनल जो औसत था वो आया 23.70, सही औसत। आ रहा समझ में? देखो एक बार वापस देख लो, दोनों क्वेश्चन सेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बल्लेबाज ने अपनी 15वीं पारी में बनाए 99 रन, तो उसका औसत बढ़कर हो गया 2 रन। उसका औसत 2 रन बढ़ गया, तो बताओ 15वीं पारी से पूर्व औसत क्या था? 15वीं पारी के बाद औसत क्या था? पारी औसत और रन, तीन चीज़ें अपने को क्वेश्चन में दे रखी हैं। जो 15वीं पारी में बनाए 99 रन, तो 15वीं पारी से पहले 14वीं पारी होगी। 14वीं पारी तक औसत कितना था उसका? अपन मान लेते एक्स था, तो टोटल रन कितने हो गए? 14 एक्स। अब क्या हुआ, उसने 15वीं पारी खेली और 99 रन बनाए। कितने रन बनाए? 99। तो उसका औसत 2 रन बढ़ गया। पहले एक्स रन था, 2 रन बढ़ गया, कितना हो गया? एक्स प्लस 2 रन। टोटल रन कितने हो गए 15वीं पारी तक? 15 × x+2। एक बल्लेबाज ने 15वीं पारी में 99 रन बनाता है तो उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी में 99 रन बनाए, इसका मतलब 14 पारियों में उसने, जैसे अपन ने माना एक्स के औसत से रन बनाए, तो टोटल रन कितने बने थे? 14 एक्स। 15वीं पारी में उसने 99 रन बनाए तो उसका औसत 2 बढ़ गया, मतलब पहले एक्स था तो अब हो गया x+2। औसत को पारी से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल रन आ जाएंगे, 14 पारी में रन थे उसके 14 एक्स।
पारी तक उसके रन कितने थे? 14 एक्स। 15वीं पारी में बनाए उसने 99 रन। उसका टोटल रन कितने हो गए? 15 प्लस x प्लस 2। 14वीं पारी और 15वीं पारी टोटल जोड़ा तो इधर 15 पारियों के रन आ गए। अब एक क्वेश्चन बन गई, इसको सोल्व करेंगे तो अपने को जो क्वेश्चन में पूछा वो ज्ञात हो जाएगा। देखो, 15x प्लस 30। ये प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, ये प्लस इधर जाएगा तो 15x माइनस 14x बराबर x, 69। ये आ गया x, और x अपन ने क्या माना था? 14वीं पारी तक औसत। क्वेश्चन में क्या पूछा? 15वीं पारी से पूर्व औसत। जो पहले का आंसर क्या आ गया? 69, पहले क्वेश्चन का। दूसरे क्वेश्चन का 15वीं पारी के बाद औसत, 15वीं पारी के बाद औसत कितना था? x प्लस 2 कितना है? 69 प्लस 2 बराबर 71। ये आ गया दूसरा वाला आंसर। पंद्रहवीं पारी से पूर्व औसत ये था 69। 15वीं पारी के बाद औसत, कितना आएगा? 71। वापिस देख लो, एक बल्लेबाज अपनी 15वीं पारी में 99 रन बनाता है जिससे उसका औसत 2 रन बढ़ जाता है। 15वीं पारी से पहले उसने 14 पारियां खेली है जिसमें उसने अपने मान लिया उसका औसत एक्स था, तो उसने 14 पारियों में कितने रन बनाए? 14 एक्स। जैसे ही 15वीं पारी खेली जिसमें 99 रन बनाए उसका औसत बढ़ गया 2 रन। तो पहले एक्स था, औसत बढ़ गया 2 रन, तो जोड़ लिया। 15 पारियों में टोटल कितने रन बनाए? x+2 बराबर कर लिया। इसमें 14 प्लस 1 15वीं पारी और 15वीं पारी का औसत इक्वल किया, सोल्व किया, x बराबर आया 69। ठीक है ना? करें नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अब तो बल्लेबाज तो हो गया फ्री, अब कहेंगे गेंदबाज। गेंदबाज का क्वेश्चन क्या है? अब इसमें थोड़ा उल्टा रहता है। जैसे इसमें बोलेंगे औसत बढ़ गया, मतलब औसत बढ़ेगा नहीं, औसत घटेगा, रन घटेंगे। औसत तो बताता हूँ, क्वेश्चन में बताता हूँ। एक गेंदबाज ने गेंदबाजी का औसत 41.6 रन देकर एक विकेट लिया। 41.6 रन दिए उसने और एक विकेट लिया। अंतिम मैच में उसने कमाल कर दिया और 72 रन देकर 6 विकेट लिया। 6 विकेट लिया जिससे उसका औसत 0.6 रन सुधर जाता है। सुधर जाता है मतलब सुधरता कब है? जब एक गेंदबाज रन तो देता है कम और विकेट लेता है ज़्यादा। मतलब उसका औसत अगर 7 का है, 0.6 सुधरा, जैसे 7.60 का है, 0.6 सुधरा तो 0.6 कम हो गया। अब उसका एवरेज रन कितना हो गया? उसने 7 रन देकर एक विकेट लिया। ये इसका मतलब होता है सुधरने का, ये चीज़ बताना चाहता था। ठीक है ना? बल्लेबाज में क्या होता है? एड हो जाता है। इसमें क्या होगा? माइनस होगा। क्यों? कि एक गेंदबाज जितने कम रन देकर जितने अधिक विकेट लेगा उतना ही उसका औसत कम होगा। और बल्लेबाज के जितने अधिक रन बना के
जितने अधिक रन बनाएगा उतना ही उसका औसत बढ़ेगा, उसे सही मानेंगे, और इसमें जितना एवरेज कम होगा वह उतना ही अच्छा गेंदबाज कहलाएगा। एक गेंदबाज का गेंदबाजी औसत 41.6 रन था। देखो, एक तो वह विकेट लेगा और रन देगा, कुल रन 41.6 रन देता है, औसत है उसका। अंतिम मैच में वह 72 रन देकर 6 विकेट लेता है। अपन मान लेते हैं पहले उसने लिए थे एक्स विकेट, और एवरेज क्या था 41.6। टोटल रन कितने हो गए, 41.6 इंटू एक्स। अब उसने क्या किया, अंतिम मैच में 72 रन देकर 6 विकेट लिए, अंतिम मैच में पहले एक्स विकेट थे, अब कितने हो गए, एक्स +6। तो उससे उसका औसत कितना हो गया, 0.6 सुधर गया। 41.6 था, 0.6 सुधर गया, मतलब 0.6 माइनस करेंगे, 41.6 माइनस 0.6 कितना आया, 41। 41 एक्स +6 × 41 कितने रन देखे, 72 रन देखे, 72 रन अपन इसमें ऐड कर लेंगे, 41.6 एक्स पहले उसके रन थे, उसने 72 रन और दिए, तब उसका औसत हो गया था एक्स +6 × 41। देखो, पहले कितने विकेट थे, एक्स विकेट थे, रन कितने थे, औसत 41.6, कुल रन निकाल लिया अपन ने 41.6। अब उसने क्या किया, 72 रन दिए, तो 72 रन अपन ने ऐड कर लिए। देखो, 72 रन देकर 6 विकेट लेता है, 72 रन ऐड कर लिए, अब उसका विकेट कितने हो गए, एक्स +6 हो गए, और एवरेज क्या हो गया, 41। तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे, इस इक्वेशन को सोल्व कर लेंगे, 41 एक्स +6, 6 × 24, ठीक है ना, 41.6 एक्स -41x = 246 -72.6x बराबर क्या हो जाएगा, 6 में से 2 गए 4, 3 4 7, 174x = 6। अपन ने क्या किया, पॉइंट हटाया, ऊपर 0 लगा दिया, काट लो, 6 × 12 = 5, 56 = 0। ये तो आ गया अपना विकेट। यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ गया, 290। अंतिम मैच से पूर्व विकेटों की संख्या कितनी आ गई, 290। अंतिम मैच के बाद विकेटों की संख्या 290 + 6 कितनी, 296। ये आ गया अपना आंसर नंबर 2, ठीक है ना। आज के क्वेश्चन थोड़े टफ है, लेकिन होले होले कीजिए, आसानी से समझ में आ जाएंगे। नहीं आए तो आप वीडियो को एक नहीं दो बार देखिए, तीन बार देखिए, और अच्छे से समझ में आ रहा है तो आप इसकी स्पीड भी बढ़ा सकते हो। अगर क्लियरिटी सही नहीं दिख रही है तो यूट्यूब में सम फंक्शन है 144 का, 240, 340, ऐसे करके आप क्लियरिटी बढ़ा सकते हो। एक हॉस्टल में 60 बच्चे थे, 20 नए बच्चों ने प्रवेश लिया, पहले कितने थे, 60 बच्चे थे, प्रवेश कितने उन्होंने लिया, 20 नए बच्चों ने प्रवेश लिया। प्रवेश पर मेस का प्रतिदिन का कुल खर्च ₹120 बढ़ जाता है, मतलब जब 20 बच्चे और आ गए तो कुल खर्च कितना बढ़ा, 120। लेकिन
प्रति बच्चा औसत खर्च 1 रुपया घट गया। प्रति बच्चा औसत खर्च कितना घटा? 1 रुपया। तो बताओ प्रवेश से पूर्व औसत खर्च और प्रवेश के बाद औसत खर्च। देखो पहले थे 60 बच्चे, औसत खर्च था एक्स, टोटल खर्च कितना हो गया 60x। 20 बच्चे और आ गए, कितने बच्चे हो गए 80। औसत खर्च 1 रुपया घट गया, पहले था एक्स अब घट गया, कितना घटा एक्स माइनस वन, टोटल कितना हो गया 80 × x-1। कुल खर्च कितना बढ़ा 120 रुपये। 60x + 120 = 80x-1। सोल्व कर लो। तीनों क्वेश्चन सेम है, ठीक है। इसको इधर ले लो, पहले तो पेन को साइड में ले लो। माइनस का इधर आएगा तो प्लस में, कितने 120 और 80 200। बीस एक्स 200, एक्स बराबर 200/20, एक्स बराबर कितना आ गया 10। प्रवेश से पूर्व औसत खर्च एक्स कितना है 10, कुल खर्च कितना है 60x, 60 × 10 = 600। प्रवेश के बाद औसत खर्च 10 - 1 = 9। ये देखो x-1 x-1, कुल खर्च 80 × x-1, x-1 9, 8 × 9 = 72, 720 रुपये। दो आंसर तो ये हो गए, दो आंसर ये हो गए, एक तो 10, एक 600। हमें x की वैल्यू निकालनी थी, x-1 की निकालनी थी, और इनको मल्टीप्लाई करके इन दोनों की वैल्यू निकालनी थी। चार वैल्यू निकालनी थी अपने को। बहुत ही आसान क्वेश्चन था, एक बार और समझाऊँ क्या? 60 बच्चे थे, औसत खर्च x रुपए था, टोटल कितना हो गया 60x। 20 और आ गए, बच्चे कितने हो गए 80, लेकिन औसत खर्च था 1 रुपया कम हो गया, x-1। टोटल खर्च कितना हो जाएगा 80 × x-1। दोनों को बराबर कर लिया था, इसमें डिफरेंस कितने का था, कुल खर्च 120 रुपये बढ़ा था, पहले था 60x, 120 रुपये बढ़ा तो प्लस 120 किसके बराबर 80x-1। सोल्व किया तो x की वैल्यू आई 10, x-1 की वैल्यू 2, और 60x = 600, 80x-1 = 720 रुपये। चलो आज के वीडियो में इतना ही, फिर ज़्यादा हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वंदे मातरम, जय हिंद जय भारत। अगर सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।